हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में काफ़ी दिन के बाद एक वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम डियर का यूज लेकर के आए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे दैनिक जीवन में भी और परीक्षा के तौर पर भी। इसमें परीक्षाओं में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आती हैं जो डियर से बनाई जाती हैं, और हम जो आम बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी बोलते हैं, अपने दोस्तों में, अपने साथियों में या अपने परिवेश के अंदर जहाँ पर हम रह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इसका बहुत ही अहम रोल होता है। अगर आप डियर के बारे में सही तरीके से जानते हैं तो सही सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है, और आप गलत सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, तो उसके क्या होता है, आपके जो दोस्त होते हैं वो उसका मजाक बनाते हैं बाद में और आपकी इंसल्ट होती है उसमें। तो दोस्तों, आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए हम एक अहम टॉपिक डियर का लेकर के आए हैं। आपको हम बताएंगे इस टॉपिक के अंदर कि डियर के किस तरह के सेंटेंस आते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। आप इन सेंटेंसों को और इसका उपयोग जान करके आपके अंदर एक नई ऊर्जा का आपकी शक्ति बढ़ेगी और आपको आपके अंदर अंग्रेजी बोलने का आत्मविश्वास पैदा होगा। आप कहीं भी झिझकेंगे नहीं और आप अच्छी तरह से सेंटेंसों को बोल सकते हैं और बना सकते हैं। दोस्तों, तो मैं आपके लिए ये सेंटेंस आया ब्लैक बोर्ड पर, मैंने लिखा है डियर का यूज, जो आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। मैंने इसके बारे में लिखा है, इसके नियम आएंगे, दो नियम है। पहला नियम मैंने लिखा है इसमें, ऐसे स्थान सूचक शब्दों से शुरू होने वाले वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंस जो स्थान सूचक शब्दों में शुरू होते हैं और उसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता वाक्यों के बीच में होता है। कहाँ होता है? वाक्यों के बीच में होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम डियर से बनाना शुरू करते हैं। बात समझ में आई आपके? यानी ऐसे वाक्य अंग्रेजी के अंदर, हिंदी के अंदर जो स्थान सूचक शब्दों में शुरू होते हैं, जैसे बाजार में, घर में, गली में, छत पर, और कर्ता सब्जेक्ट जो होता है वो वाक्यों के बीच में होता है, तो फिर हम ऐसे वाक्यों को डियर से बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात ये ध्यान रखना है, जब शुरू में डियर लगा होता है तो इसका कोई मीन्स नहीं होता है, समझ रहे हो, इसका कोई मीन्स नहीं होता है, इसका अर्थ को नकार दिया जाता है। तो ऐसे वाक्य हम बनाना सीखेंगे आज हम, जो डियर से बनाई जाती है। तो ध्यान से देखिए, मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखी है, ये कक्षा में छात्र थे। क्या थे? कक्षा में छात्र थे। ध्यान से देखो, ये सेंटेंस जो है, ये कक्षा एक स्थान है, क्या है? एक कक्षा एक स्थान है, इसको हम, ठीक है, और कई स्थान के बाद में मैं रख करके आ रहा हूँ। तो ऐसे वाक्य जो स्थान सूचक शब्दों में शुरू हों और उनके बाद में मैं अथवा पर लग के आ रहे हो, मैं लगाओ या पर लगाओ, तो फिर ऐसे वाक्य को हम डियर से बनाएंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट बीच में हो। तो ध्यान से समझना है, देखिए ध्यान से, कक्षा में छात्र हैं, तो ये स्थान हो गया कक्षा, इसके बाद मैं लग करके आया, और कौन है कक्षा के अंदर? जब हम किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में ऐसा कर्ता निकालते हैं तो हम कौन का प्रश्न पूछते हैं, कौन का प्रश्न पूछने पर जो उत्तर निकल के आता है वो सब्जेक्ट या कर्ता कहलाता है हिंदी में। तो ये लिखा है कौन थे? कक्षा में छात्र, ठीक है। तो इसको हम डियर से बनाएंगे। अब हम कैसे बनाएंगे डियर से? अब ध्यान से देखना, डियर से बना करके ये डियर लिखेंगे हम, टी एच ई आर ई डियर, ऐसा करके, ठीक है, टी एच ई आर ई डियर लिख दिया। अब इसको हम उल्टा बनाते हुए चलेंगे, कहाँ चलेंगे? उल्टा बनाते हुए। तो पहले नंबर पर डियर के बाद में इसकी लांग अंग्रेजी देगी, ठीक है, अंग्रेजी होती है बर, डब्ल्यू आर ई बर, क्या होती है? बर। उसके बाद में हम छाप के लाएंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, थे का मतलब बहुत सारे हैं, अगर एक होता छात्र तो यहाँ था रख करके आते हैं, बहुत से हैं, तो ये इसका मतलब है थे लगा हुआ, तो इसका मतलब बहुत सारे छात्र हैं, यानी बहुवचन करता। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टूडेंट मीन्स होता है छात्र, ठीक है, इसको यह जोड़ के बहुवचन बना देंगे स्टूडेंट्स, फिर हाँ लिखेंगे हम, तो डियर बर स्टूडेंट्स। अब ये रह गया कक्षा में, तो आगे इन क्लास इन द क्लास का यूज करेंगे हम, इन द क्लास सी एल ए डबल एस, ये सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। तो डियर वर स्टूडेंट्स इन द क्लास, अब इसका हिंदी में अगर अर्थ बनाएंगे तो इधर से बनाएंगे, कक्षा में छात्र थे। तो मैंने बताया था जब डियर शुरू में लगाओ तो उसके वाक्य का अर्थ को नकार दिया था और उल्टी तरफ से हिंदी बनाते हुए चलते हैं, ऐसे ही अंग्रेजी बनाना होता है तो उल्टी तरफ से बनाते हुए चलेंगे इसकी। अब जब दूसरा सेंटेंस देखिए, ये होगा बाजार में भीड़ थी, तो ये स्थान सूचक शब्द आ गया बाजार, और इसके बाद मैं रख के आ गया, ठीक है, कौन थी? भीड़ थी, ठीक है। तो कर्ता का दिया हुआ है हमारा बीच में, देखो इसको अभी हम डियर से बनाएंगे, ध्यान से देखिए, तो डियर वाज, ठीक है, वाज मान होता था, थी आता रख करके, ठीक है, था और थी, और भीड़ है, ठीक, भीड़ की लाएंगे, अब रस आर यू एस एच, रस माने भीड़, ठीक है, तो डियर वाज रस, क्या थी? भीड़ थी। कहाँ पर थी? बाजार में, द मार्केट, ये फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। तो हम इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, डियर बाज, ये लगाई बाज की, फिर उसके बाद सब्जेक्ट पे आए डियर बाज रस, और बाजार की, इन द मार्केट,
जब स्थान सूचक शब्द के बाद मैथ पर लग गया था तो पहले हम मैथ बाय यानी प्रोपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में स्थान सूचक शब्द की अंग्रेजी लगाती है, ध्यान रखना है आपको। ये दूसरा होगा, तीसरा मैं लगा छत पर बच्चे थे, ध्यान से देखिए छत भी एक स्थान होता है, ठीक है, स्थान सूचक शब्द होता है, इसके बाद पर लग कर जाए, ठीक है। छत पर कौन थे, कर्ता निकाले तो बच्चे, तो ये भी देर से बनाएगा यानी कर्ता वाक्यों के बीच वर्ग होगा, इसको भी हम देर से बनाएंगे, ध्यान से देखिए देर भर, ठीक है। तेरह होगा देर भर लगा दिया, बच्चे लगाएंगे चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है, सी एच आई एन डी चाइल्ड, इसको भूषण आते हैं आर्यन जोड़ देते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जिनमें आर्यन जुड़ के, ठीक है, ई एन जुड़ के बनता बाद वही सारी संज्ञा ऐसी ई एस लगा करके हम भूषण लगाते हैं, इसके नियम अलग आते हैं। अब हमारी अगली वीडियो पड़ी हुई है, पिछली वीडियो उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो मैंने लगा दिया दियर वर्ड चिल्ड्रेन, अब छत पर लगा दो, पहले पर की लाएंगे ऑन का यूज करेंगे, ऑन लाएंगे द रूप, आर डबल रूप मीन्स होता है छत, ठीक है। तो रूप कहलाती है छत जो ऊपर वाली इस पर हम उठते बैठते हैं, इसमें दो तरह की छत होती हैं, एक होती है निचली छत जहाँ पर हम पंखे वगैरह टांगते हैं या गुलदस्ते वगैरह टांगते हैं, हैं झालर वगैरह लटकाते हैं, उसको बोलते हैं हम सीलिंग, तो निचली छत को बोलते हैं सीलिंग, जिस पर चिपकीना वगैरह चिपकी होती है, और जहाँ पर हम बैठते हैं उसको रूप बोलते हैं। तो ध्यान रखना आपको दो चीज़ें इस वीडियो में मिल गई जानकारियाँ। अगला मैंने सेंटेंस ये लिखा है, कमरे में कोई नहीं है, ध्यान से देखना ये नेगेटिव सेंटेंस है, सारे सेंटेंस एफर्मेटिव थे, और ये जो आया नेगेटिव, ये चौथा सेंटेंस है, कमरे में कोई नहीं है, ठीक है। सारे सेंटेंस मैंने तीन जो बनाए हैं आपको, ये पास्ट के बनाए हैं मैंने, ये आया प्रेजेंट का, तो ध्यान से देखिए इसमें अभी कमरे में कोई नहीं है, कौन नहीं है, कोई नहीं है, तो ये भी दियर सा बनाएगा, इसमें क्या है स्थान सूचक शब्द शुरू हो रहा है, करता कहाँ है बाकी के बीच में, तो अब इसको भी दियर सा बनाएंगे दियर, ठीक है, एज, ठीक है, कोई नहीं है, कोई नहीं के लिए हम नन का यूज करेंगे, हम एनो एनी नन वन होता है कोई नहीं, यानी कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भी प्राणी नहीं है, इसका मतलब है ना, ठीक है, ना भैंस है ना बकरी है ना इंसान है, इसका मतलब ये है, ठीक है। कमरे की रह गई, गा देंगे इन द रूम, कमरे इन द रूम, ठीक है, ये सेंटेंस करके तैयार हो गया, तो हो गया दियर इज, ठीक है, कोई नहीं पूरी राय दियर इज नो वन इन द रूम, ठीक है। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, ठीक है, एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका ये, हम नॉट का उपयोग करेंगे दियर इज, ठीक है, नॉट लगा दिया, जब नॉट का यूज करेंगे तो कोई के लिए हम एनी वन का यूज करेंगे, ऐसा करके एनी ए एन वाई एनी एनी वन, एनी वन, एनी वन माना कोई व्यक्ति नहीं है वहाँ पर, ठीक है, इन द मार्केट बाजार में, इन द मार्केट, ये सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, दोस्तों, साथियों, के इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो हम दो तरह से बना सकते हैं, अगर नॉट का यूज करते हैं तो एनी का यूज करेंगे कोई के लिए, या कोई के बाद में कोई संज्ञा नहीं होती तो पर लगा देते हैं, फिर हम अगर कोई संज्ञा आती है तो संज्ञा का इस्तेमाल करेंगे, अगर मान लो यहाँ पर आता कमरे में कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं एनी चाइल्ड लगा देते हैं, क्योंकि कोई के पास संज्ञा आ रही है, अगर कोई इसकी संज्ञा ना आए बच्चा आदमी लड़का किताब, तो फिर हम वन का यूज करते हैं, ये बन करके तैयार हुए। दोस्तों बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो, ठीक है, बाजार में कोई नहीं था, घर में कोई नहीं है, दरवाजे पर कोई नहीं है, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो आप, और अच्छी तरह से आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, और दियर का यूज अच्छी तरह से सीख सकते हो। अब हम इसके बारे में अगले वीडियो में, दोस्तों एक अगली वीडियो इसकी दियर की आएगी, वहाँ अगला सेंटेंस बनाना सीखेंगे आपको, और क्वेश्चन मार्क जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं किस तरह से बनाते हैं, कैसे यूज करेंगे दियर का, इसके बारे में आप अगले वीडियो में हम आपको इसकी जानकारी देंगे। थैंक यू, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए जरूर, और लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट करके बताइए कैसी लगी, ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे कमेंट करते रहेंगे तो हमें भी हिम्मत मिलती है, हमें भी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, तो हमें भी खुशी होगी कि आपको पसंद आ रही है हमारी वीडियो। थैंक यू, दैट्स ऑल।